हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैब थ्री डिज़ाइन। सो आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है 13 फीट बाय 49 फीट का ड्यूप्लेक्स हाउस का। हमने यहाँ पे पूरी प्लानिंग यहाँ पे पूरी की है। सो ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ पे उसका 3D एलिवेशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और यह पूरा डोर शेड्यूल और विंडो शेड्यूल हमने यहाँ पे पूरा प्रोवाइड किया है। सो ये पूरा हमारा 13 फीट बाई 49 फीट का हमारा ड्यूप्लेक्स हाउस का प्लानिंग है। सो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में हमने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है। सो पार्किंग एरिया, लिविंग एरिया, 2 मास्टर बेडरूम, डाइनिंग एरिया, किचन, स्टोर रूम, पूजा रूम हमने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में प्रोवाइड किए हैं। सो चलिए देखते हैं कैसे हमने प्लानिंग पूरी प्रोवाइड की है। सो फर्स्ट यहाँ पे हमारा मेन गेट आता है। यहाँ पे हमने ये कॉर्नर का प्लॉट है, इसलिए हमने दोनों साइड से हमने यहाँ पे गेट प्रोवाइड किए। यहाँ पे डबल साइड का स्लाइडर गेट मेन गेट आता है, और यहाँ पे सिंगल का। यहाँ से भी आप पार्किंग एरिया में एंटर कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप पार्किंग एरिया में एंटर कर सकते हैं। 15 फीट बाय 12 फीट 3 इंच का यहाँ पे पार्किंग एरिया हमने प्रोवाइड किया, और यहाँ पे हमने लॉन 4 फीट वाइड हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सो यहाँ से हमारी एंट्री होती है सीधे लिविंग रूम में। लिविंग एरिया हमारा 14 फीट 6 इंच टू 17 फीट बाय 16 इंच का हमारा पूरा अच्छा खासा हमने यहाँ पे लिविंग रूम प्रोवाइड किया है। यहाँ पे सोफा, और यहाँ पे चेयर, और यहाँ पे हम TV प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ से हम आगे जाते हैं तो हमारा डाइनिंग एरिया, स्टेयर एरिया यहाँ पे आता है। यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर में एंट्री करेंगे स्टेयर से, और यहाँ पे हमारा पूरा डाइनिंग एरिया हम यहाँ पे प्रोवाइड किया है। 11 फीट 6 इंच बाय 9 फीट का हमारा पूरा डाइनिंग एरिया यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया, और यहाँ पे हमने पूरा आमने सामने यहाँ पे हमने मास्टर बेडरूम, 2 मास्टर बेडरूम हमने प्रोवाइड किया है। सो यहाँ पे फर्स्ट मास्टर बेडरूम हमारा 15 फीट बाई 12 फीट 6 इंच का मास्टर बेडरूम विथ अटैच टॉयलेट, 4 फीट बाई 6 इंच का हमारा यहाँ पे हमने अटैच टॉयलेट दिया। और उसके सामने हमारा सेकंड मास्टर बेडरूम है 15 फीट बाई 12 फीट का। सो इसमें भी हमने यहाँ पे पूरा अटैच टॉयलेट यहाँ पे 6 फीट बाई 5 फीट का यहाँ पे हमारा अटैच टॉयलेट हमने यहाँ पे पूरा प्रोवाइड किया है। सो यहाँ पे डाइनिंग एरिया के सामने यहाँ पे हमारा पूजा रूम हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे हमने किचन प्रोवाइड किया है। किचन से निकलते ही हमारे यहाँ पे डाइनिंग हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। किचन का साइज है 10 फीट बाई 12 फीट का, पूरा अच्छा खासा हमने यहाँ पे किचन प्रोवाइड किया। और यहाँ पे स्टोर रूम हमने किचन के बाजू में हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, और ये पूरा हमारा OTS हमने यहाँ पे पूरा किया है। सो ये पूरा हमारा ग्राउंड फ्लोर है। अब फर्स्ट फ्लोर ये है। सो यहाँ से हम ग्राउंड फ्लोर से हम यहाँ से डायरेक्शन से हमारा स्टेयर से हम यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे पहले फर्स्ट फ्लोर में एंटर करते हैं, तो यहाँ पे हमारा पैसेज अच्छा खासा हमको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे 2 मास्टर बेडरूम, और यहाँ पे हमने पूरा भारतीय बैठक, और यहाँ पे गार्डन टेरेस हमने यहाँ पे पूरा प्रोवाइड किया है। सो यहाँ से हम एंटर करते हैं, तो यहाँ पे हमारा पैसेज 11 फीट 6 इंच बाई 9 फीट का हमारा पूरा पैसेज हमको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे हमने गार्डन टेरेस 10 फीट बाई 12 फीट का पूरा गार्डन टेरेस हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे हमारा 2 मास्टर बेडरूम है, सो 15 फीट बाई 12 फीट, और अटैच टॉयलेट यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर में है हैज इट इज़ यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है। यहाँ पे भी हमने यहाँ पे दूसरा बेडरूम, मास्टर बेडरूम, चौथा हमारा मास्टर बेडरूम है। दो ग्राउंड फ्लोर में हमने मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किए हैं, और 2 बेडरूम हमने यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे प्रोवाइड किए। सो ये पूरा 4 बेडरूम विथ भारतीय बैठक और गार्डन टेरेस हमने यहाँ पे पूरा प्रोवाइड किया है। सो ये हमारा पूरा भारतीय बैठक हमने यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में हमने भारतीय बैठक प्रोवाइड किया है। सो ये 14 फीट बाई 70 फीट का अप्रोक्सीमेटली हमने यहाँ पे पूरा भारतीय बैठक हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, जो कि एक तरीके से लिविंग रूम ही है। सो यहाँ से हमें बालकनी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। सो यहाँ से हम बालकनी में जा सकते हैं। एलिवेशन में आप देख सकते हैं ये पूरा बालकनी एरिया, ये पूरा ये बालकनी एरिया है। सो ये पूरी
ये पूरा प्लानिंग हमने ड्यूप्लेक्स हाउस 13 फीट बाय 49 फीट का, 30 फीट बाय 49 फीट का डुप्लेक्स हाउस हमने प्रोवाइड किया है, जिसमें पार्किंग एरिया, 2 बेडरूम, 2 मास्टर बेड 4 मास्टर बेडरूम विथ अटैच टॉयलेट, गार्डन, टेरेस और भारतीय बैठक हमने यहाँ पे पूरा प्रोवाइड किया। और यह 13 फीट बाई 49 फीट का ये पूरा हमारा एलिवेशन है, जो आप देख सकते हैं अच्छा खासा हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। यहाँ पे हमारी बालकनी और ये पूरा गेट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया। सो ये पूरा हमारा 13 फीट बाई 49 फीट का एलिवेशन है। और ये हमारा डोर शेड्यूल और विंडो शेड्यूल हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया। सो ये डोर शेड्यूल हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, नंबर ऑफ विंडो जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है, सो इसमें इसकी विथ और हाइट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, सीलिंग सील हाइट और ये पूरा हाइट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। और विंडो में भी यहाँ पे हमने विंडो शेड्यूल पूरा पूरा प्रोवाइड किया है, हाइट, विथ, सील हाइट और ये हाइट हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। सो 4 फीट की हाइट है और विथ इसकी 5 फीट की हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सील लेवल हमने सील लेवल 3 फीट और हीट लेवल 7 फीट हमने यहाँ पे पूरी विंडो में प्रोवाइड किया है। सो नंबर्स ऑफ विंडो और नंबर्स ऑफ डोर्स का शेड्यूल हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सो ये पूरी प्लानिंग हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। सो ये पूरी प्लानिंग हमारी, जो हमने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर ड्यूप्लेक्स हाउस हमने बनाया, एलिवेशन और डोर शेड्यूल और विंडो शेड्यूल के साथ हमने पूरा यहाँ पे हमने प्लानिंग प्रोवाइड की है। उसका वॉक थ्रू आपको, 3D वॉक थ्रू भी आपको यहाँ पे साइड में हमने यहाँ पे पूरा प्रोवाइड किया होगा। ये पूरा इंटीरियर वॉक थ्रू और एक्सटीरियर वॉक थ्रू भी आपको हमने यहाँ पे दिखाया है। सो ये पूरी प्लानिंग हमने बिठाई। आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।